हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीप राजचंद्राकर और आप देख रहे हैं फ्री क्रैश कोर्स। जो आपका गेट एकेडमी ने लॉन्च किया है ना, वो फ्री क्रैश कोर्स आप देख रहे हैं। प्रोडक्शन अभी तक आप लेक्चर देख चुके होंगे मेरे ख्याल से, है ना। कंटेंट वाइज 4 लेक्चर है ना, और ये लेक्चर नंबर 5। और ऐसे देखोगे तो आपका लेक्चर नंबर 6 उसमें शो कर रहा होगा। ठीक है, सो होपफुली आपको मजा आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे हैं, आपके कमेंट्स मैं देखते रहता हूँ, है ना। एक एक रिक्वेस्ट कंटिन्यू आ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट ना प्लीज मत कीजिए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि सर डिजिटल बोर्ड इस्तेमाल कीजिए, वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल। आप जानते हैं अभी का सिचुएशन कैसा है ना। कोरोना चल रहा है, आपको पता है ना, पैंडेमिक सिचुएशन, सो नहीं हो सकता वो चीज़, है ना। डिजिटल बोर्ड नहीं हो सकता। पॉसिबल रहा तो मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे पता है अभी अभी तो प्रोडक्शन चलते तक नहीं होगा। और जैसे कि आप लोगों को हमने बोला है कि ये 120 दिन का प्लान है, मतलब 4 महीने का प्लान है। सो 4 महीने के प्लान में मुझे पता है कि यार कभी होगा कभी नहीं होगा, तो उसके चलते ना लेक्चर्स मिस हो सकते हैं। सो कोशिश ये है कि आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड किया जाए, हाँ कि ना। सो दैट्स वाई, है ना, वो रिक्वेस्ट मत कीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप सही से देखेंगे, क्योंकि यही तो कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है, शुरू से अपन बात करें तो ये तो डिजिटल बोर्ड अभी आया ना, पहले तो व्हाइट बोर्ड ही चलता था। ठीक है, सो होपफुली समझ में तो आ रही होंगी चीज़ें, आप एंजॉय कर रहे होंगे, बस वही है डिजिटल बोर्ड का एक, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे, चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपको मजा आएगा। अल्टीमेटली क्या है, अपने को रिजल्ट लाना है, क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास तक अगर मैं बोलूँ, लास्ट लेक्चर तक आपने देखा होगा, या जो ये पहला लेक्चर, ये लेक्चर उनका पहला लेक्चर है जो देख रहे हैं ये, है ना। सो इससे पहले जो लेक्चर हुए हैं उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रोडक्शन का, सो वो जाके देखिए, चाहे आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो या पीआई के स्टूडेंट हो, ठीक है ना। सो वो पोर्शन जाके देखिए, आपको हेल्प होने वाला है, काफ़ी हेल्प मिलेगा मुझे लगता है। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया कि किस तरीके के कटिंग फोर्स होते हैं, किस तरीके से आपका मैकेनिक्स होता है मशीनिंग का, है ना, उसमें आप शेयर एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बात किया था लास्ट क्लास तक। अब देखेंगे टूल लाइफ, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि कोई भी एक टूल होता है, उससे आप कटिंग करते हैं, और टूल से अगर कटिंग करेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर लाइफ होगा जब तक वो टूल चलने वाला है, जब तक वो टूल चलने वाला है। सो अगर मैं बोलूं टूल लाइफ, सो टूल लाइफ का क्राइटेरिया जो है वो इस तरीके से दिया जाता है कि भाई आपका एक टूल है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ आप लेथ में जा रहे हो, तो लेथ में एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है और आपका इस तरीके से चक पे वर्क पीस घूम रहा है, और इससे आपका कटिंग हो रहा है, टूल से आपका कटिंग हो रहा है, ठीक है ना। सो अगर टूल से आपका कटिंग हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना वो टूल जिस इफिशियंसी से, मतलब जिस डायमेंशन से और जिस सरफेस फिनिश से वो काट सकता था, वैसा नहीं काटेगा, क्योंकि अब टूल में भी वियर होना शुरू हो गया, और टूल एक टाइम के बाद वियर हो गया है। सो उसको रीग्राइंडिंग के लिए भेजना पड़ेगा। मतलब आप एक बार टूल खरीदे हो, उसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ना एक टाइम इंटरवल के बाद रीग्राइंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है, और एक टाइम के बाद ऑब्वियसली टूल पूरा खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक टूल ले लिया और पूरे लाइफ टाइम चलने वाला है, ऐसा नहीं कि रीग्राइंड कर रहे हैं चल रहा है, रीग्राइंड कर रहे हैं चल रहा है। अगर मैं बोलूं तो एक टूल 3 से 4 बार रीग्राइंड हो सकता है, ठीक है ना। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ टूल, कि किस तरीके का टूल है आपका, उसमें इंसर्ट कोटिंग है या नहीं है, है ना, उन चीज़ों पर आपका डिपेंड करने वाला है। सो आपका जो टूल लाइफ है, टूल लाइफ जो दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आपका एक्चुअल जो कटिंग टाइम है, ये अगर मैं बोलूं टूल लाइफ जो दिया जाता है, एक तरीका होता है कि एक्चुअल जो कटिंग टाइम होता है, एक्चुअल कटिंग टाइम, टील टूल फेलियर, टूल फेलियर। और फेलियर कब मानेंगे आप, फेलियर कब मानेंगे, देखिए फेलियर का बहुत सारा क्राइटेरिया है। आपका टूल मे बी ब्रेक हो जाए, टूल मे बी वियर हो जाए, और जिस डायमेंशन आपका आपको वर्क पीस प्रोड्यूस करना चाह रहे हो उस डायमेंशन का प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, जिस सरफेस फिनिश का आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हो उस सरफेस फिनिश का नहीं हो रहा है। एक्चुअली जब इनिशियली आप टूल को लाए थे तो प्रॉपर उस तरीके से कट कर पा रहा था। जैसे आप घर में नाइफ देखे होंगे, तो नाइफ का जो आप देखे होंगे कि शुरू में इनिशियली काफ़ी अच्छा
शार्प एज है तो उससे आप बहुत अच्छे से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो शार्प एज ब्लंट हो जाता है और आपका कटिंग इफिशियंसी कम हो जाती है। सो आप क्या करते हैं, उसको रीग्राइंड करते हैं। सो दैट इज योर वर्ड कि एक रीग्राइंड के पहले तक जितना आप यूज किए दैट विल बी द टूल लाइफ, दैट विल बी द लाइफ ऑफ द नाइफ जो यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो वैसे ही इंडस्ट्री में आपको होने वाला है, आपके पास उस तरीके से चीजें देखने को मिलेगी। सो एक्चुअल कटिंग टाइम टिल टूल फेलियर ये कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब समझिएगा इसका कि हम मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे। सो आप ना कांस्टेंट स्पीड पे चला रहे हो, वर्कपीस आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है या टूल अगर मूविंग है, टूल अगर मोशन में है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको वेलोसिटी ऑफ कटिंग दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन वर्कपीस एंड टूल। सो वर्कपीस मे बी इन द मोशन और टूल मे बी इन द मोशन। सो दोनों में से जो भी आपका मोशन में होगा, दोनों में से जो भी आपका मोशन में होगा है ना, सो वो क्या हो रहा होगा, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है जैसे मैंने बोला 100 मीटर पर मिनट से वो चल रहा है, एक 100 मीटर पर मिनट से चलने के बाद उसका जो लाइफ है वो खत्म हो गया, मतलब वो उस फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिसके लिए आपने टूल को लाया है। मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको सरफेस फिनिश, डायमेंशंस, एक्यूरेसी, ये सब में है ना, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कटिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक। सो दैट विल बी द टूल लाइफ। सो कांस्टेंट स्पीड में एक्चुअल कटिंग टाइम टिल टूल फेलियर, टूल फेलियर कब हुआ, जब वो आपका प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है जिस डायमेंशन का अपने को चाहिए उस डायमेंशन का, या जिस सरफेस फिनिश का चाहिए उस सरफेस फिनिश का वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। सो दैट विल बी द टूल फेलियर, दैट पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द टूल फेलियर। और वहां पे आपको रीग्राइंडिंग की जरूरत रहेगी ई पॉसिबल, अगर ऐसा हुआ कि यार टूल तो छोटा सा रहता है, इतना छोटा सा टूल है, एक साइड होल्डर है, अब रीग्राइंड कर करके उसका जो स्पेसिफिकेशन है ना वो पूरा अपना खत्म हो चुका है। सो वो जो लिमिट है रीग्राइंडिंग का, वो लिमिट है वो खत्म हो चुका है। तो उसके बाद तो आपको नया टूल लाने की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ठीक है भाई। सो इस तरीके से रहेगा। सो एक्चुअल कटिंग टाइम मोस्टली ये एक्चुअल कटिंग टाइम में टूल लाइफ दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्चुअल कटिंग टाइम में ही दे है ना। इसके अलावा अगर मैं बोलूं सो कांस्टेंट स्पीड में वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कट और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड उस पर भी दिया जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड, कि कांस्टेंट स्पीड से अगर दो टूल रख दिया, मैं दो टूल रख दिया और दो टूल को क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो पहले क्या कर रहा था, कांस्टेंट स्पीड से दो टूल को चला रहा हूं, फिलहाल दो टूल को चला रहा हूं, एक चला 100 मीटर पर मिनट से, अगर दोनों टूल को चला रहा हूं, एक चला 30 मिनट, एक चला 40 मिनट, ऑब्वियसली इसकी टूल लाइफ ज्यादा है कंपेयर टू दिस वन, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बोला कि कांस्टेंट स्पीड से 100 मीटर पर मिनट से ही चला रहे, ये आपका 100 mm³ मटेरियल रिमूव कर पा रहा है, ये आपका 200 mm³ मटेरियल रिमूव कर पा रहा है, अगेन इसका टूल लाइफ ज्यादा होगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन होने वाला है। इसके अलावा नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड, अगेन ये भी कांस्टेंट स्पीड में रहने वाला है, नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड। सो नंबर ऑफ पार्ट्स जो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये एक टूल है, ये एक टूल है, ये आपका कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है 100 मीटर पर मिनट से चल रहा है, ये भी 100 मीटर पर मिनट से चल रहा है, ये आपका 50 कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के बाद इसका वियर हो जा रहा है, इसको रीग्राइंडिंग की जरूरत पड़ रही है, ये 100 कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के बाद इसको रीग्राइंडिंग की जरूरत पड़ रही है, ऑब्वियसली दिस टूल विल हैव मोर लाइफ कंपेयर टू दिस टूल, ओके। सो आपका टूल लाइफ इस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। एक तरीका और होता है जस्ट उल्टा, कि आप फिक्स टाइम पे फॉर अ गिवन टाइम कटिंग स्पीड देखते हैं, कटिंग स्पीड फॉर अ गिवन टाइम, मतलब मैंने टाइम फिक्स कर दिया, मैंने टाइम फिक्स कर दिया, मतलब एक टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं देखना चाह रहा हूं, ठीक है ना, कि जैसे कि मैं 30 मिनट के लिए देखना चाह रहा हूं, 30 मिनट के लिए इस टूल को चलाया 100 मीटर पर मिनट से, इस टूल को चलाया 100 मीटर पर मिनट से, ये 30 मिनट से पहले पहले खत्म हो गया,
या मैं कह सकता हूँ इसको 30 मिनट चलाने के लिए आपको 100 मीटर पर मिनट अगर जा रहे हो तो वो 30 मिनट नहीं चल रहा है, ये 50 मीटर पर मिनट में ही 30 मिनट चलेगा और ये आपका 100 मीटर पर मिनट में भी 30 मिनट चल जा रहा है। सो ऑब्वियसली दिस इज हैविंग मोर टू लाइफ। सो ये वाला जो क्राइटेरिया ये एज सच ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अगर मैं बोलूँ मोस्टली यूज जो होता है वो पहला वाला है और बाकी ये जो क्राइटेरिया है ना ये भी यूज होता है कहीं कहीं। आप देखेंगे ये वाला जो क्राइटेरिया है जब क्वेश्चन आएगा और आया हुआ है गेट एग्जाम में क्वेश्चन है ना, तो उस समय आपको यूज करना रहेगा और किस तरीके से यूज करना है, कैसे किन बातों का ध्यान रखना है, कब कब है ना। आपको फॉर्मूला पता होगा, मे भी बहुत लोग जो पढ़ रहे होंगे उनको फॉर्मूला पता होगा, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी गलती कर जाते हैं। सो होपफुली अगर हम आगे बढ़ेंगे और उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और अगर उनको कनेक्ट कर पाते वो सारे पॉइंट्स को, सो आपको वो तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है भाई, सो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी एक टूल लाइफ का इक्वेशन दिया गया, दैट इज नोन एज टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, दैट इज नोन एज टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। अगर आप बोलेंगे इसके अलावा और दिया जाता है क्या सर, ये टूल लाइफ के जैसे ये आपने बोला कि टूल लाइफ इससे दिया जाता है, इससे दिया जाता है, इससे दिया जाता है, इससे दिया जाता है, सो ये टूल लाइफ क्राइटेरियाज हुए, इसके अलावा और है क्या? हाँ, बहुत सारे और हो सकते हैं, जैसे कि लेंथ ऑफ कट, कि कितना लेंथ एक पर्टिकुलर टाइम में या एक पर्टिकुलर स्पीड में काट पा रहा है, सो इस तरीके से भी दिया जा सकता है। लेकिन मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि आपका एक्चुअल कटिंग टाइम के बारे में बात किया जाता है और दूसरा जो है नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल टूल, मतलब एक टूल के द्वारा उस पर्टिकुलर उसके टूल लाइफ स्पेन में है ना, उसके लाइफ स्पेन में कितना नंबर ऑफ पार्ट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। ठीक है ना, ये इरेज कर रहा हूँ भाई। आगे देखते हैं हम लोग टूल लाइफ इक्वेशन किस तरीके से दिया गया, क्या होता है। ठीक है, देखिए टूल लाइफ इक्वेशन है ना टेलर्स ने दिया था, दैट इज नोन एज टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन वो इस तरीके से दिया जाता है, v t to the power n equal to c, so this is known as Taylor's tool life equation, v t to the power n equal to c, where v is the what? Cutting speed, ये आपका मीटर पर मिनट में, ठीक, आपका जो कटिंग स्पीड होगा वो मीटर पर मिनट में इन जनरल आपका रहना चाहिए। ठीक, और आपका जो टूल है टूल लाइफ जो है, दिस इज टी इज योर टूल लाइफ एक्चुअली ये किस पे है अभी, टाइम है, मतलब ये मिनट में होगा, टी इज योर टाइम और टूल लाइफ वो मिनट में होने वाला है। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं एन इज नोन एज टूल एक्सपोनेंट, टूल एक्सपोनेंट, एंड दिस टूल एक्सपोनेंट डिपेंड्स ऑन द टूल मटेरियल, ये आपका टूल मटेरियल पे डिपेंड करता है, टूल मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मतलब टूल मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अलग अलग टूल मटेरियल, जैसे मैं बोला टूल मटेरियल इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो आपके पास HSS है ना, आपका कार्बाइड सिरामिक इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, HSS कार्बाइड सिरामिक इस तरीके से आपको टूल देखने को मिलता है। ठीक है ना, ठीक, ओके, हाँ एक मिनट, हाँ मैं वर्कबुक लाया हूँ। ठीक है ना, सो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा,
वर्कबुक में इसके क्वेश्चंस भी अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं कह रहा था HSS, कार्बाइड, सिरामिक, ये सब अपने को देखना रहेगा, ये सब आपका टूल है। सो हाँ, एक चीज ये कह रहा था कि आपका जो टूल एक्सपोनेंट है, आपका जो टूल एक्सपोनेंट है, दैट डिपेंड्स ऑन द टूल मटेरियल, और डिफरेंट डिफरेंट आपका जो टूल होंगे जैसे HSS, कार्बाइड, सिरामिक, ये सब हैं। सो इसके लिए आपको आपको अलग अलग एन की वैल्यू देखने को मिलेगी, अलग अलग एन की वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे अगर मैं बोलूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, मतलब HSS का इन जनरल दिया जाता है 0.082.2 इस तरीके से, ये आपका 0.22.4, ये 0.42.7, है ना, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। लेकिन आप देख रहे हैं इधर एन की वैल्यू बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है। सो एक्चुअली ये डिफरेंट डिफरेंट टूल मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपको एन की वैल्यू देखने को मिलेगा। वैसी आपका सी जो है, दैट इज योअर टेलर्स कॉन्स्टेंट, और सी जस्ट कॉन्स्टेंट मैं कह सकता हूं, टेलर्स कॉन्स्टेंट और जस्ट कॉन्स्टेंट, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टूल मटेरियल, वर्कपीस मटेरियल एंड मशीनिंग कंडीशन। It depends on टूल मटेरियल, ये टूल मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। सो टूल मटेरियल पे तो एक्सपोनेंट सिर्फ और सिर्फ टूल मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन ये जो सी है वो टूल मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, है ना, आपका वर्कपीस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, वर्कपीस मटेरियल एंड मशीनिंग कंडीशन, मतलब आप कूलेंट यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरीके का मशीनिंग कर रहे हैं, है ना। सो वो मशीनिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो आपका वर्कपीस मटेरियल पे। जैसे मैं बोलूं कि माइल्ड स्टील को अगर कट कर रहे हो तो अलग आपका सी होगा, अगर आप एल्यूमिनियम को कट कर रहे हो तो अलग सी देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मशीनिंग कंडीशन विथ कूलेंट यूज, मतलब विथ कूलेंट आप मशीनिंग कर रहे हैं और विदाउट कूलेंट मशीनिंग कर रहे हैं, तो ये सब पे आपका कांस्टेंट डिपेंड करने वाला है। अगर ध्यान से देखोगे ये जो इक्वेशन है, टूल लाइफ इक्वेशन, दैट इज नथिंग बट अगर मैं इस तरीके से देखूं, सो y x टू द पावर n इक्वल टू c, इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। मतलब y इज इक्वल टू, अभी मैंने क्या एज्यूम कर लिया, y इक्वल टू मैंने v बोल दिया, y इक्वल टू मैंने v बोल दिया, और आपको x इक्वल टू मैंने बोल दिया t, ठीक, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और यहां से मैं कह सकता हूं दैट इज योर y इज इक्वल टू y x n टू द पावर c बोलो, या y इक्वल टू c बाई x n, दिस इज नथिंग बट अ हाइपरबोलिक इक्वेशन, है ना, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये जो इक्वेशन है वो हाइपरबोला का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। भाई आप थर्मोडायनेमिक्स में भी तो पढ़े होंगे, मैथ एक्चुअली हाइपरबोला आप मैथ्स में पढ़े होंगे, x इंटू वाई इक्वल टू सी, दैट इज योर हाइपरबोला, यहां पे n है, ठीक है, दैट्स ओके, वो हाइपरबोला ही शो करने वाला है, ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ, ठीक। सो अगर मैं बोलूं ये हाइपरबोला शो करने वाला है तो किस तरीके से होता है, ये अगर y एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, ये x हो गया, ये y हो गया, सो हाइपरबोला कर्व विल बी लाइक दिस, ऐसा कुछ आपका शो होता है, ठीक है ना, हाइपरबोला कर्व इस तरीके से शो होता है। अब देखो ये जो टूल लाइफ इक्वेशन है ना, टूल लाइफ इक्वेशन में जैसे कि मैंने बता दिया कि वाई एक्सिस में आप वेलोसिटी दिखाने वाले हैं, एक्स एक्सिस में आप टूल लाइफ दिखाने वाले हैं, दैट इज योर टाइम, ठीक। सो इस तरीके से मैं ग्राफ देखने जाता हूं, सो ये टूल लाइफ हो गया, ये स्पीड हो गया v एंड t। अगर यहां पे मैं बात करूं, दो चीजें आपको दिख रही है, n और c, v और t के अलावा दो चीजें और है आपके पास, n और c। सो जो n होता है वो स्लोप बताता है, स्लोप किसका, जो ये कर्व बनेगा, ये कर्व किसका बनेगा, एक पर्टिकुलर टूल मटेरियल का बनेगा। जैसे मैं बोला HSS का आपको एक कर्व ड्रॉ करना है तो HSS का एक कर्व ड्रॉ करेगा। सिमिलरली अगर आपको कार्बाइड का ड्रॉ करने बोलूंगा तो आप कार्बाइड का ड्रॉ करोगे, जैसे सिरामिक का बोलूंगा तो वैसे आप सिरामिक का ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है ना। सो आपका जो एन होता है वो स्लोप देता है, एन एन आपका कर्व का स्लोप देगा,
और जो सी है वो रेंज देगा, जो सी होगा वो रेंज देगा। ठीक, सो देखते हैं इसका किस तरीके से अपने को आउटपुट मिलता है या किस तरीके से अपने को समझना रहेगा क्या मतलब है स्लोप और रेंज का। सो वो देखते हैं भाई। जैसे अगर मैं बोलूं आपका एचएसएस के लिए बात कर रहा हूं, फिलहाल एचएसएस के लिए बात कर रहा हूं, सो उसका एन कम है, सो वो इस तरीके से कुछ दिखेगा। सो यहां पे तीन कर्व ड्रॉ किया एचएसएस का आपका। अगर मैं बोला ये देखो स्लोप जो होगा वो यहां से स्लोप होगा, ठीक, दिस इज द स्लोप, ये जो है ये स्लोप है, ये जो है वो स्लोप है। सो देखो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, है ना, यहां पे नहीं बना रहा हूं मैं, ऊपर समझा देता हूं। यहां पे स्लोप क्या हो, किसके बारे में बात कर रहा हूं, ये वाला स्लोप, ठीक है ना, ये स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना। सो फिलहाल इस एज पर दिस वन अपन ये वाला स्लोप देखने वाले हैं। सो आपका ये जो स्लोप होगा, इसका स्लोप ऑब्वियसली, इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका स्लोप सबसे कम है थीटा, यार ये वाला जो एंगल है इसका सबसे कम होगा, उससे ज्यादा इसका होगा, सबसे ज्यादा इसका होगा, मतलब सबसे कम किसका था एन की वैल्यू, एचएसएस का था, मतलब ये एचएसएस हो सकता है, ये आपका कार्बाइड हो सकता है, ये आपका सिरामिक हो सकता है, सिरामिक हो सकता है, ठीक। सो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, ये स्लोप दिया कौन, एन, एन स्लोप दिया। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि यार देखो कोई भी अगर स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, है ना, सो किसी भी पर्टिकुलर एक कटिंग स्पीड पर अगर मैं जाऊंगा तो टूल लाइफ बढ़ रहा है, टूल लाइफ बढ़ रहा है, अगर ध्यान से देखोगे, है ना। सो ये देखिए, एक लाइन खींच दिया, ये पर्टिकुलर कोई कांस्टेंट कटिंग स्पीड है, उस पे अगर मैं देखना चाहूंगा, सो एचएसएस का टूल लाइफ क्या है, कम है, कार्बाइड का टूल लाइफ उससे ज्यादा है, सिरामिक का टूल लाइफ उससे ज्यादा है। सो दिस इज टूल लाइफ फॉर एचएसएस, दिस इज टूल लाइफ फॉर कार्बाइड एंड दिस इज टूल लाइफ फॉर सिरामिक। सो एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टूल लाइफ बढ़ रहा है। ये इरेज कर रहा हूँ, है ना, ये इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं अपन स्लोप क्या होता है। उसके बाद ये जो है ये आपको एक कर्व के फॉर्म में दिख रहा है, उसको अपन स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि सी एन स्लोप दिया, सी आपका क्या देगा, रेंज देगा, ये हो गया टी, ये हो गया वी, इस तरीके से है, ये इक्वेशन हो गया वी टी एन इक्वल टू सी, सी वन वी टी एन इक्वल टू सी टू, ठीक, VTN equal to C1 and VTN equal to C2। हाँ, V may be variable, T may be variable, वो तो बात की बात है, बट इंपॉर्टेंट क्या है अभी अपन क्या समझना चाह रहे हैं, C की C का सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्स्टेंट क्या है, वो कॉन्स्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझने की कोशिश कर रहा है। सो माई डियर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका, ये क्या था, ये जो ग्राफ था ये डिफरेंट डिफरेंट टूल मटेरियल के लिए था, ये डिफरेंट टूल मटेरियल के लिए, अगर मैं बोलूं यहां पे ये फिगर जो है इट इज फॉर डिफरेंट टूल मटेरियल, फॉर टूल मटेरियल, अगर मैं बात करूं ये वाला जो है इट इज फॉर सेम टूल मटेरियल, टूल मटेरियल इज सेम,
because you can see N is same, but cutting condition, जैसे एक में आप coolant use कर रहे हैं, एक में coolant use नहीं कर रहे हैं, so ये देखो ये range दिया, इसका मतलब समझना कि भाई जो C2 है that is greater than C1, और यहाँ पे अगर देखूंगा मैं particular किसी cutting speed पे, so ये देखो cutting speed पे आपका tool life में variation देखिए, ये tool life होगा जिसमें आपने coolant use नहीं किया उसका tool life हुआ, और जिसमें आपने coolant use किया उसका tool life हो गया। So, आप देख सकते हैं ऑब्वियसली टी डबल डैश जिसका जिसमें आप कूलेंट यूज कर रहे हैं उसका टूल लाइफ ज्यादा है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द कटिंग कंडीशन ऑल्सो। सो आपका ये जो सी है वो क्या दे रहा है, वो रेंज दे रहा है। जैसे जैसे सी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका टूल लाइफ भी बढ़ते जाएगा एक पर्टिकुलर कटिंग स्पीड में, अगर मैं बात कर रहा हूं तो, है ना। और देखना चाहो तो और देख सकते हो यार, देखो फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि कटिंग स्पीड कम करूंगा सो इसका टूल लाइफ बढ़ेगा, बढ़ेगा उससे ज्यादा इसका भी बढ़ेगा। ये देखो, अगर कोई चाहता है कि सर मैं कटिंग स्पीड कम करना चाहता हूं इसका, कर दो भाई, ये लो इस पे देखो ये टूल लाइफ है, अगर इसको आगे बढ़ाया तो यहां कहीं आएगा इसका टूल लाइफ। सो इसका टूल लाइफ अभी भी ज्यादा है, जिसका C2 ज्यादा है मतलब जिसका कांस्टेंट ज्यादा है उसका टूल लाइफ ज्यादा होगा। तो वो क्या प्रोवाइड करता है, वो रेंज प्रोवाइड करता है, जो कांस्टेंट है ना वो रेंज प्रोवाइड करने वाला है। अब देखिए ये इरेज करने वाला हूं भाई, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये इरेज करने वाला हूं, आगे मैं बात करने वाला हूं कि इसको स्ट्रेट लाइन में किस तरीके से शो किया जाता है, ठीक है। देखिए आपके पास जो इक्वेशन था टेलर्स टू लाइफ का इक्वेशन जो था वो क्या था, वी टी टू द पावर एन इक्वल टू सी। सो इसको मैं लॉग ले लेता हूं, दोनों साइड लॉग ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा लॉग वी प्लस लॉग एन लॉग टी, ठीक। सी इज द कांस्टेंट, दिस इज योर लॉग सी, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक। दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। अब देखो अगर यहां पे ध्यान से देखोगे तो दिस इज नथिंग बट वाई, वाई मान लिया, लॉग वी को मैंने वाई मान लिया, लॉग टी को एक्स मान लिया, तो एन एक्स, और ये आपका कांस्टेंट है सी। सो इस तरीके से कुछ मिला इक्वेशन, मतलब वाई क्या मान लिया था मैं, लॉग वी, नेचुरल लॉग है ये, आपका एक्स लॉग टी मान लिया, और जो कांस्टेंट है दैट इज योर सी, लॉग सी, ठीक है ना। अच्छा इसको के मान लो, यहां पे ये के है। सो इस तरीके से है, सो ये देख सकते हो ये जो इक्वेशन है नाउ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स दैट जो आपका इससे पहले आपका हाइपरबोला जो दिख रहा था उसको अब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना। सो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं भाई, अगर ये लॉग टी हुआ या आपका लॉग वी हुआ, ठीक है, ये log v हो गया, ये log t हो गया। सो यहां पे आपका जैसे इससे पहले मैं देख रहा था HSS, तो वो सब अब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा HSS, ये हो जाएगा आपका कार्बाइड, ये हो गया आपका सिरामिक, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, ये HSS हो गया, ये आपका कार्बाइड हो गया, कार्बाइड हो गया, ये आपका सिरामिक हो गया। सो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आपका कन्वर्ट होने वाला है अगर आप लॉग लेते हैं तो, ठीक है ना, अगर आप लॉग लेते हैं तो। और सिमिलरली मैं सी की वैल्यू चेंज करने पे भी देख सकता हूं, ये हो गया लॉग वी,
सो सी की वैल्यू चेंज करने पे भी आपको इस तरीके से दिखेगा। अब दो पैरेलल लाइन दिखा मुझे, है ना, मटेरियल इज सेम, अगेन टूल मटेरियल इज सेम, बट कटिंग कटिंग कंडीशंस आर व्हाट डिफरेंट। सी टू इज ग्रेटर देन सी वन, सो आपको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल एनालिसिस हुआ आपका टेलर्स टूल टाइप इक्वेशन का। अब देखिए, इन जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन दो तीन वैरायटी से पूछा जाता है। ऑन द टेलर्स टूल टाइप जो बेसिक क्वेश्चन है, वी टी टू द पावर एन इक्वल टू सी पी, है ना। देखिए, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऐसा होता है कि डायरेक्ट आपको कटिंग स्पीड दे दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको कटिंग स्पीड दे दिया जाएगा, एन दे दिया जाएगा, सी दे दिया जाएगा और टूल लाइफ निकालने को बोलेगा। सो ये पहला वैरायटी हुआ कि आपको क्या दे दिया है, कटिंग स्पीड दे दिया है, एन दे दिया है, सी दे दिया है, टूल लाइफ निकालना है। दूसरा हो सकता है टूल लाइफ दे दिया है, एन दे दिया है, सी दे दिया, उस पर्टिकुलर टूल लाइफ के लिए क्या कटिंग स्पीड रही होगी वो निकालना है। सो दो वैरायटी के क्वेश्चन। तीसरा होता है कि भाई आपका ना टूल का दो सिचुएशन दे दिया जाता है कि पर्टिकुलर एक स्पीड पे जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन बताया कि आपका दोनों में से एक डेटा वी निकालना रहेगा या दूसरा आपका टी निकालना रहेगा। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से होता है कि आपका टूल को दो सिचुएशन में डाल दिया जाता है कि आपका एक कटिंग स्पीड पे एक टूल लाइफ है, दूसरा कटिंग स्पीड पे दूसरा टूल लाइफ है, है ना। मटेरियल इज द सेम एंड कटिंग कंडीशन इज द सेम, इट मीन्स दैट ये दोनों में आपका एन एंड सी जो होगा वो सेम होगा, एन और सी आपका सेम होगा। सो आप क्या करेंगे, वी वन टी वन कॉन्स्टेंट है ना भाई, कॉन्स्टेंट तो सेम है। सो वी वन टी वन टू द पावर एन इक्वल टू वी टू टी टू टू द पावर एन, इस तरीके से इक्वल करूंगा और यहां से एन मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं सर, लॉग ले लो या लॉग वी वन, है ना, प्लस एन लॉग टी वन इक्वल टू लॉग वी टू प्लस एन लॉग टी टू। सो यहां से अगर मुझे एन निकालना है तो क्या एन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, एन इक्वल टू आई कैन से लॉग वी वन माइनस वी टू, लॉग वी वन माइनस लॉग वी टू डिवाइडेड बाय, है ना। देखो ये मत बोलना कि सर ये तो बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, है ना, बोल दिया हूं। अरे नहीं यार, हैं कई प्राणी हैं जो ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिखने वाला हूँ, ये इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट नहीं किए हैं तो, है ना, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक। दो कंडीशन दिया था आपका, सेम मशीनिंग कंडीशन था, सेम टूल मटेरियल था, तो एन और सी इज द सेम, बट जो कंडीशन है मतलब स्पीड अगर मैं अलग अलग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एक टाइम पे आपका 100 आरपीएम है, दूसरे टाइम पे 200 आरपीएम, मतलब ये मीटर पर मिनट में होगा, एक्चुअली ये मीटर पर मिनट में है, ये मीटर पर मिनट में है। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और यहां से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉग एन इक्वल टू आपका हो जाएगा log v1 माइनस log v2 डिवाइडेड बाय log t2 माइनस log t1। सो यहां से आपका n निकल जाएगा, n निकल गया, अगर n निकल गया तो दैट शुड बी इक्वल टू c ना यार, कॉन्स्टेंट के बराबर होना चाहिए, है ना, ये कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। सो आपका अगर एन निकल गया तो वी वन टी वन टू द पावर एन मैं रख दूंगा, वहां से मुझे सी मिल जाएगा। सो पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपको थर्ड कंडीशन दे दिया रहे कि इस पर्टिकुलर कटिंग स्पीड मतलब वी थ्री पे टी थ्री क्या होगा, ये निकालने के लिए अगर बोल दिया है। सो भाई अब आपके पास इक्वेशन आ गया है वी टी टू द पावर एन इक्वल टू सी। सो यहां पे वी थ्री की वैल्यू रखो, आपको टी थ्री की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज एन और सी हम लोग निकाल लिए रहेंगे। एक सिचुएशन ये होता है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि इसमें तो मैंने जैसे आपको बोला कि ये जो कटिंग स्पीड होगा वो मीटर पर मिनट में होगा, ये टूल लाइफ आपका मिनट में होगा। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि ये जो कटिंग स्पीड है वो आरपीएम में दिया रहा है, मे बी, और कंपेयर कर रहे हैं यार, ये कंपेयर कर रहे हैं, सो आप डायरेक्ट आरपीएम में स्पीड को पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे बात को।
मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, लेकिन इस बात को समझना है, होल्ड कीजिएगा इस बात को, तभी जाके ना ये जो कॉन्सेप्ट मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप तक पहुंचेगा, और क्वेश्चन देखते ही आप क्लिक कर पाएंगे, क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर पाएंगे, अरे यार हाँ इस पे तो इस तरीके से अप्लाई करना है। सो मैं क्या कह रहा हूँ, जब कंपेरिजन की बात हो रही, कंपेरिजन की बात हो रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि मीटर पर मिनट में रहे, ये आरपीएम में जैसे ये हो गया एक आरपीएम, ये हो गया दूसरा आरपीएम, है ना, मतलब ये 100 आरपीएम दिया, ये 200 आरपीएम दिया फॉर एग्जांपल, सो यहाँ पे 100 रख दीजिए, यहाँ पे 200 रख दीजिए, और ये 300 पे पूछा है, सो आप निकाल सकते हैं वो चीज, ठीक। साथ के साथ टूल लाइफ की जगह ना, टूल लाइफ की जगह मतलब मिनट की जगह, आपके टाइम टूल लाइफ टाइम की जगह वो दे रखा है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कि इतने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि अगर वो बोला कि 100 आरपीएम से चल रहा है तो 10 कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, सो 10 कंपोनेंट विल बी दैट टूल लाइफ दैट टाइम, ठीक है ना। सो टी की जगह आप 10 कंपोनेंट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब कंपेरिजन होते रहा। जैसे पहले केस में मैं बोला ये वाला जो केस है इसमें डायरेक्ट आप आरपीएम नहीं पुट कर सकते, जिसमें कंपेरिजन नहीं कर रहा था भाई, ये वाला जो था, ये वाला जो शुरू के दो क्वेश्चन मैं बोला जिसमें या तो वी दिया रहेगा टी पूछ देगा, या टी दिया रहेगा वी पूछ देगा, इस तरीके से मैंने बोला था, ठीक है ना। सो वहां पे कंपेरिजन तो नहीं कर रहे हो टूल्स के, इस पे टूल का कंपेरिजन था, टूल का कंपैरिजन था, अलग अलग सिचुएशन में कंपैरिजन था कि आपका स्पीड अलग है या टूल लाइफ अलग है, ठीक है ना। सो ये कंपैरिजन में आप एन और नंबर ऑफ प्रोडक्ट रख सकते हैं, लेकिन अगर ये पहला और दूसरा सिचुएशन हुआ जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि भाई इस सिचुएशन में है ना ऐसा सिंगल ही दिया, कंपैरिजन नहीं दिया हूं मैं एन दे दिया हूँ, आरपीएम दे दिया हूँ, वहां से वी निकालना रहेगा पाई डी एन करके, एन डायरेक्ट रख के निकालोगे तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। मैं जितना चीज बोल रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट होते हुए भी दिखेगा, दिखेगा ऑब्वियसली, कुछ चीजें तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन ये सुनना जरूरी है क्योंकि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट किया हूं कि आपको प्रीवियस ईयर लगाना है। सो जितना लेक्चर आप सुन रहे हैं प्रीवियस ईयर आपसे बनते जाएगा, ठीक है ना। साथ के साथ मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मैं बोला कि इस तरीके से आपका आप निकाल सकते हैं, आपको तीनों सिचुएशन बता दिया कि कंपैरिजन जब रहेगा तब, नहीं रहेगा तब, किस तरीके से क्या चीजें आपको फॉलो करना है रिगार्डिंग द टूल लाइफ इक्वेशन, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट योर टूल लाइफ इक्वेशन। इसके अलावा ये अब इरेज कर रहा हूँ, ये अब इरेज करूंगा मैं, है ना। इसके अलावा और क्या पूछा जाता है इस पे? अच्छा एक इसी में बोल देता हूँ, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन बोला, फोर्थ वन एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, या आपको पूछ दिया जाएगा, आपको पूछ दिया जाएगा दो टूल दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया जाएगा टूल ए और टूल बी। अब देखो दोनों टूल अलग अलग है ना, दोनों टूल आपके यहां पे अलग अलग हैं, टूल ए एंड टूल बी दो टूल हैं, ठीक है ना। सो ब्रेक इवन पॉइंट, अगर मैं बोलूं ब्रेक इवन पॉइंट, आप इंडस्ट्रियल में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे या कभी सुने होंगे, जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब एक पॉइंट जिसमें अगर मैं बोलूं आप इंडस्ट्रियल में पढ़े होंगे तो कोई चीज को आप सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। मतलब आपने एक कंपनी खोला फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि आप कोई कंपनी खोल रहे हैं और उसमें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो मैन्युफैक्चर करने के लिए आप इनिशियली क्या कि मशीन वशीन लगाया, तो मशीन के लिए आपको एक फिक्स कॉस्ट देना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक छोटा सा मैं बोलूं कि थैला बनाने का मशीन लगाया 1.5 लाख रुपए का, ठीक है ना। सो 1.5 लाख रुपए का आपने मशीन लगाया तो वो फिक्स कॉस्ट हो गया। उसके बाद आप मशीन लगाए तो उस पर जो टूल वगैरह है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, प्लस जो जो जिस जगह पे रखा है वो रेंटल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो वेरिएबल कॉस्ट है। और जो आपका टूल का रॉ मटेरियल है वो ऑब्वियसली एक फिक्स रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा तो रॉ मटेरियल बढ़ते ही जाएगा, सो वो कॉस्ट बढ़ते जाएगा, सो दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अगर मैंने बोला 1.5 लाख रुपये आपने फिक्स कॉस्ट किया दिया और 50,000 रुपये का आपने क्या बनाया, पूरा प्रोडक्ट बनाया, तो टोटल कितना हो गया 2 लाख रुपये। सो यार आप जब सेलिंग करने जाओगे मार्केट में तो वो जो 2 लाख रुपये आप लगाए हो तो सबसे पहले ये सोचोगे कि जब मैं सेल करूंगा तो ये 2 लाख रुपये मुझे मिनिमम वापस आने चाहिए, मेरे 2 लाख रुपये वापस आने चाहिए, तब आप सोचोगे प्रॉफिट के बारे में, यस आर नो। सो जब ये 2 लाख रीच कर जाओगे सो दैट विल बी द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर यस,
है ना, ये ब्रेक इवन पॉइंट होगा। सो सिमिलरली अगर मैं बोलूं इन केस ऑफ टूल, सो इस तरीके से आपको दिखने देखने को मिलेगा कि भाई आपके दो टूल अगर चल रहे हैं, ये अगर मैंने बोला लॉग टी है या अगर लॉग वी है, मतलब स्ट्रेट लाइन वाला कर्व मैं देखना चाह रहा हूं। सो आपके दो टूल चल रहे हैं, कोई टूल ए है कोई टूल बी है, इस तरीके से। सो एक पर्टिकुलर टाइम पे देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको दिख रहा है यहां पे, दिस इज नथिंग बट टूल लाइफ। यार स्ट्रेट लाइन के टर्म में बात किया हूं भले, लेकिन ये टूल लाइफ और ये कटिंग स्पीड ही तो बता रहा है ना, ये तो ये टूल लाइफ और ये कटिंग स्पीड ही बता रहा है। सो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर स्पीड पे आप देख सकते हैं टूल लाइफ दोनों दोनों। अगर ये इसको मैंने बोला टूल बी और इसको मैंने बोल दिया टूल ए, टूल ए, सो टूल ए और टूल बी का एक स्पीड पे, या मैं बोलूं ये वाला जो स्पीड है, ये वाला जो स्पीड है उस पे ये टूल लाइफ मिल रहा है। सो दिस इज द ब्रेक इवन स्पीड, दिस इज द ब्रेक इवन स्पीड एंड दिस इज द ब्रेक इवन टूल लाइफ, दिस इज द ब्रेक इवन टूल लाइफ। मतलब क्या हुआ सर, ये किस तरीके से बातें हो रही है, देखिए सुनिए आप। ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी में एक पर्टिकुलर आपका टूल लाइफ मिल रहा है, दोनों टूल के लिए सेम है, वो दोनों टूल के लिए सेम है। अगर इससे ऊपर जा गया मैं, ये ब्रेक इवन स्पीड से ऊपर गया, दिस इज नोन एज ब्रेक इवन स्पीड, दिस इज नोन एज व्हाट, ब्रेक इवन टूल लाइफ। अगर मैं ब्रेक इवन स्पीड से ऊपर गया तो ये देखिए ब्रेक इवन स्पीड से ऊपर गया, सो टूल ए का टूल लाइफ क्या हो गया है, कम हो गया है, और टूल बी का टूल लाइफ क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सिमिलरली आप अगर देखेंगे उससे नीचे, अगर ब्रेक इवन स्पीड से नीचे रहे होंगे, ब्रेक इवन स्पीड से नीचे आपको दिख रहा है ये, अगर इस तरीके से रहेगा ब्रेक इवन स्पीड से नीचे अगर आप देखेंगे, सो इस पर्टिकुलर टाइम पे, ये पर्टिकुलर जगह पे आपको दिख रहा है कि टूल लाइफ इसका कम है इसका ज्यादा है। सो यार ये टूल लाइफ किसका था, ए का था, ये वाला टूल लाइफ किसका था, ए का था, ए वन बोल दिया, ये टूल लाइफ किसका था, बी का था, ये टूल लाइफ बी वन हो गया, ये टूल लाइफ किसका है, बी का है, टूल लाइफ बी टू हो गया, ये टूल लाइफ किसका है, ए का है, टूल लाइफ ए वन हो गया। सो ध्यान से अगर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ब्रेक इवन से पहले, ब्रेक इवन से पहले अगर ए ए एक स्पीड पे चल रहा है तो टूल लाइफ ऑफ ए विल बी लेस देन टूल लाइफ ऑफ बी। मतलब ब्रेक इवन के ऊपर, ब्रेक इवन के ऊपर अगर ध्यान से देखोगे, सो भाई आपका जो टूल लाइफ है ए का वो बी से कम है। ये देखो ए का टूल लाइफ बी से कम है ब्रेक इवन से पहले, जैसे ही ये ब्रेक इवन क्रॉस किया सो टूल लाइफ ऑफ बी डिक्रीजेस कंपेयर टू, मतलब बी विल बी लेस compared to tool life of A, हाँ ना? So tool life of A break even के बाद बढ़ रहा है, मतलब break even एक ऐसा point है जिसके बाद आपका जो tool life है, या मैं बोलूं अभी तो speed constant मान के चल रहा हूं, है ना? So tool life आपका क्या होने वाला है, अलग अलग देखने को मिलेगा। ब्रेक इवन के पहले एक टूल का लाइफ ज्यादा था, दूसरे का लाइफ कम था, लेकिन ब्रेक इवन के बाद आपको दिखेगा कि एक का टूल लाइफ बढ़ गया जिसका कम था, और जिसका ज्यादा था उसका कम हो गया उसी स्पीड पे। सो दिस इज योर ब्रेक इवन। सो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं सर, आपको दे दिया जाएगा सवाल इस तरीके से दे दिया जाएगा कि भाई यहां पे दो टूल है इस तरीके से, है ना? टूल ए आपका एक पर्टिकुलर मशीनिंग कंडीशन को फॉलो कर रहा है, उसके लिए आपका टूल लाइफ इक्वेशन दे दिया रहेगा, या इससे पहले जिस तरीके से बोला हूं, है ना, टूल लाइफ इक्वेशन में भी निकालना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, ठीक है? वो तो देख के आपको समझ में आ जाएगा। सो सिंपल सी बात है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर में आपको एक टूल लाइफ इक्वेशन रहेगा t1n vt n1 c1, इस तरीके से पूछा, लेट अस अज्यूम, है ना, आपका यहां पे इस तरीके से कुछ दिया है n2 c2। इसके अलावा भी अपन देखेंगे क्वेश्चन में क्या पॉसिबिलिटी है वो देखेंगे, लेकिन अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट, ठीक है? सो ये देखिए, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, दो अलग अलग टूल लाइफ का आपको दे रखा है। मे बी है ना, यहां पे जो चीज है ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। मे बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है डियर, कि
आपको जो मशीनिंग कंडीशन है वो सेम दे सकता है, जो भी है ना, वो क्वेश्चन पे डेटा जो दिया रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा, तो क्वेश्चन देखेंगे वो क्या है। सो इसमें ना इस तरीके से पूछ सकता है कि टूल ए का लाइफ कब ज्यादा होगा टूल बी से। सो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे जाना है, ब्रेक इवन पॉइंट पे वैल्यू निकालना है, और ब्रेक इवन पॉइंट पे आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ द टूल ए एंड टूल बी इज द सेम, सिमिलरली टूल लाइफ ऑफ ए एंड बी इज सेम। ठीक, सो यहाँ तक अपनी बातें हो गई, यहाँ तक अपनी बातें हो गई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके अलावा एक मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन भी होता है, ये जितने कंडीशन अभी मैं बताया हूं ये कंडीशन आपको समझाने के लिए मैं बताया हूं, जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना तो आप तुरंत तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे, तुरंत तुरंत आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ठीक है ना। और जिनको जिनके पास क्वेश्चन है ना, वो मुझे लगता है ट्राई करना चाहिए, इसको कनेक्ट करके आपको ट्राई करना चाहिए, तो मजा आ जाएगा जब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है भाई आगे बढ़ता हूं मैं, मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन, ये टेलर्स मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन कहा जाता है इसको। ये दिया जाता है वी टी टू द पावर एन एफ डी ए बी इक्वल टू सी, वेयर वी इज द व्हाट कटिंग वेलोसिटी, टी इज द व्हाट टूल लाइफ, एन इज द आपका टूल एक्सपोनेंट, एफ मतलब वी टी एन इक्वल टू सी इससे पहले जान चुके थे, जो एफ है दैट इज नोन एज फीड, ये आपका फीड है, डी इज द डेप्थ ऑफ कट, फीड पर रिवॉल्यूशन है, ये फीड पर रिवॉल्यूशन, ये पर रिवॉल्यूशन में रहेगा, ये इन जनरल एमएम में, मतलब ये आपका फीड अगर मैं बोलूं तो एमएम पर रिवॉल्यूशन, एमएम पर रिवॉल्यूशन, ये आपका एमएम में होने वाला है डेप्थ ऑफ कट, ठीक इस तरीके से रहेगा। और जो ए और बी की वैल्यू है वो लेस देन वन होगा, जो आपके टू दी पावर ए और बी है, बट ए विल बी ग्रेटर देन बी, बट बोथ आर लेस देन वन, लेस देन वन इन जनरल आपको जो देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। सो ये लेस देन वन आपका होने वाला है, ए विल बी ग्रेटर देन बी, मतलब अगर ए आपका 0.5 है सो बी उससे कम होगा, मे बी 0.4 हो, ठीक है ना, और दोनों ए से कम होगा। सो अगर यहां पे ध्यान से देखोगे सो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि भाई आपका जो टूल लाइफ है टी इक्वल टू आई कैन से टी टू द पावर एन, आपका ये हो जाएगा वी एफ ए डी ए, और इधर इसको टी सी टू द पावर वन बाई एन, ये हो जाएगा वी वन बाई एन एफ ए बाई एन एंड डी ए बाई एन, इस तरीके से हो जाएगा। ये टी एन इधर गया तो ये वन बाई एन वी टू द पावर वन बाई एन एफ ए, ए था ऑलरेडी एफ टू द पावर एन तो वन बाई एन हो जाएगा, और ये अच्छा ये बी है, सॉरी This is your B and this is your B. B, ठीक है हाँ। सो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर मैं बोलूं यहां पे ध्यान से देखोगे सो T इज द व्हाट टूल लाइफ, T आपका टूल लाइफ है, C क्या था कांस्टेंट था, ठीक, और V क्या है कटिंग स्पीड है, F क्या है आपका फीड है, D क्या है डेप्थ ऑफ कट है, और जिस क्वेश्चन में ये दिया रहेगा अगर कांस्टेंट दिया है फीड एंड डेप्थ ऑफ कट तीन चार प्रोसेस कर रहा है, हाँ ना, अलग अलग स्पीड पे अलग अलग टूल लाइफ मिल रहा है, तीन चार प्रोसेस कर रहा है और सब में आपका फीड या डेप्थ ऑफ कट या दोनों कांस्टेंट है, दोनों में से एक या दोनों कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होगा वो कट जाएगा, उसको लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कांस्टेंट नहीं है जैसे मैं बोला तीन बार प्रोसेस कर रहे हो तीन अलग अलग स्पीड पे, तीनों पे आपका फीड अगर सेम है और डेप्थ ऑफ कट वेरिएबल है सो डेप्थ ऑफ कट को कंसीडर करना है, जो वेरिएबल रहेगा, अगर दोनों वेरिएबल है
तीन बार प्रोसेस कर रहे हो, दो तीनों बार आप अलग अलग फीड अलग अलग डेप्थ ऑफ कट ले रहे हैं, सो तीनों बार आपको कंसिडर करना रहेगा। लेकिन अगर जो कांस्टेंट है वो कट हो जाएगा भाई, वो हट जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ टूल लाइफ जो है, है ना, ये तो कांस्टेंट है भाई, ठीक है, फिक्स हो गया, ये वी टू द पावर वन बाई एन, सो वन बाई एन ए बाई एन एंड बी बाई एन होने वाला है, बिकॉज ए और बी की वैल्यू लेस देन वन होगा, लेस देन वन होगा, सो ऑब्वियसली ये कम है, उससे कम ये होगा। सो ये किसके लिए बता रहा था, ये फीड के लिए बता रहा था, ये किसके लिए बता रहा था, ये डेप्थ ऑफ कट के लिए बता रहा था, और ये किसके लिए बता रहा है, ये कटिंग स्पीड के लिए बता रहा है। मतलब एक चीज मैं कह सकता हूं, मेरा कटिंग पैरामीटर है ना और मशीनिंग पैरामीटर टूल लाइफ का जो है, टूल लाइफ के लिए अगर देखना है, सो टूल लाइफ मेनली अफेक्ट होगा है ना, टूल लाइफ मेनली अफेक्टेड बाय कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड में जितना ज्यादा आपका चेंज होगा या जो मतलब जितना भी चेंज होगा, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट टूल लाइफ पे वही करेगा, कौन, कटिंग स्पीड। सो सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका कौन करता है, कटिंग स्पीड करेगा टूल लाइफ पे, उसके बाद आपका फीड करेगा और सबसे लेस जो अफेक्ट रहेगा वो रहेगा डेप्थ ऑफ कट का, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कटिंग स्पीड अफेक्ट करेगा टूल लाइफ को, उसके बाद फीड अफेक्ट करेगा, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट अफेक्ट करेगा। सो दिस इज अबाउट योर मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन, ठीक है ना, मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन। सो दिस इज अबाउट योर बेसिक जो टूल लाइफ रिक्वायर्ड था, है ना, उसके लिए मैंने आपको बेसिक एक इंट्रो दे दिया भाई। अब इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस लगाने रहेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन है ना मेरे पास है, वर्कबुक रखा हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन वर्कबुक का मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेवन एट ये अभी मैं बात नहीं करूंगा, सेवन एट के बारे में थोड़ा सा मैं मशीनिंग पढ़ा लूंगा, उसके बाद बात करूंगा। सो मैं क्वेश्चन नंबर ना 9 और 10 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, 9 और 10 के बारे में आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। ये समझ लीजिए कि ये 5-6 महीने का ड्यूरेशन है और ये बड़ा ड्यूरेशन होता है यार, आसान नहीं है, है ना, एंड दिस इज नॉट मूवी, दिस इज रियल लाइफ। कि 3 घंटे में आप भागते भागते बोले भाग मिलकर भाग, है ना, नहीं होगा ना, दिस इज रियल लाइफ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को ना बहुत अच्छे से कैरी करो, फॉलो करो और मोटिवेटेड रहो। इतना लंबा ड्यूरेशन जो है 6 महीने का, है ना, उसके लिए आप मोटिवेटेड रहिए। डेली आपको वर्कआउट करना है, डेली आपको पढ़ाई करना है, है ना, मोटिवेटेड रहिए, ये टाइम है। इस पर ना सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मुझे खुद से करना है। अभी ना तो आपको मम्मी बोलेंगे, पापा बोलेंगे, और ना ही, है ना, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो आपके गार्जियन होंगे वो बोलते रहेंगे कि यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अभी नहीं बोलेंगे। और दिस इज द कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि आपको कोई टाइम बांध के अगर पढ़ाएगा तो उससे आप एग्जाम निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे उसकी गारंटी नहीं है। खुद से अंदर से फीलिंग आनी जरूरी है कि इस कॉम्पिटिशन में मुझे रैंक चाहिए, इस कंपटीशन में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये जरूरी है भाई। आप ये जैसे कई लोग मे भी, है ना, आप लोगों में से ऐसे होंगे कुछ लोग जो ये वीडियो जस्ट देखते होंगे या डाउनलोड में लगा के छोड़ देते होंगे कि यार बाद में देख लूंगा, इस तरीके से कुछ होगा, है ना, डाउनलोड मैं देखा भी नहीं हूँ इस तरीके से, है ना, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ, या वॉच लेटर, है ना, ये कर देते होंगे। सो ना, जो है अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक। चलिए भाई, क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन। ये आपको जो शीट मिला है उसमें से है, है ना, 7-8 बाद में कराऊंगा बोला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 ये कह रहा है, इन अ मशीनिंग एक्सपेरिमेंट टूल लाइफ वॉज फाउंड टू वेरी विथ कटिंग स्पीड इन द फॉलोइंग। कटिंग स्पीड आपको दे रखा है गिवन, ये कॉमन डेटा है 9 एंड 10 का, ठीक है ना, गिवन डेटा, कटिंग स्पीड दे रखा है मीटर पर मिनट में 60-90 टूल लाइफ दे रखा है मिनट में 81-36
ये इस तरीके से दिया है भाई, ठीक। उसके बाद कह रहा है, कह रहा है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें पूछा है द एक्सपोनेंट एन एंड कॉन्स्टेंट के ऑफ टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन आर, ठीक है भाई। ये एक टेलर्स टू लाइफ मे बी करेक्ट है, ठीक है। ये एक टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, वी टी टू द पावर एन इक्वल टू के, एन इक्वल टू के। और इस क्वेश्चन में आपको पूछा है एन और के की वैल्यू, आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं, चार ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, चार ऑप्शंस हैं। अगर मैं ऑप्शंस यहां पे लिखना चाहूं तो यहां पे लिखता हूं भाई, ऑप्शन ए आपको दिया है एन इक्वल टू 0.5 एंड के इक्वल टू 540, ठीक है। बी इक्वल टू एन इक्वल टू 1 एंड के इक्वल टू 4860, एन इक्वल टू -1 के इक्वल टू 0.74 एन इक्वल टू -0.5 के इक्वल टू 1.155। सो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको एन और के की वैल्यू चाहिए, एन और के की वैल्यू चाहिए। चलिए भाई देखते हैं, है ना। हाँ ये कैलकुलेटर है यार, मेरे पास ये हो गया वी वन, इसको वी वन मान लिया, इसको मैंने मान लिया वी टू, इसको मैंने मान लिया टी वन, और इसको मैंने मान लिया टी टू। सो यार वी वन टी वन टू द पावर एन इक्वल टू वी टू टी टू टू द पावर एन, ये होने वाला है, ठीक। सो अगर इस तरीके से होगा तो इस पे वैल्यूज पुट कर दो, ये हो गया आपका 60। और लॉग के टर्म में भी ले सकता हूं यार, लॉग के टर्म में डायरेक्ट एन ही तो निकालना है मुझे। सो एन इक्वल टू क्या होता था आपका, लॉग वी टू, अरे लॉग ले लोगे दोनों साइड, ये याद नहीं रखना है, ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आप लॉग ले लोगे दोनों साइड तो क्या होने वाला है, लॉग वी टू प्लस एन लॉग टी टू, सिमिलरली लॉग वी वन प्लस एन लॉग टी वन, एन लॉग टी वन। सो एक साइड वी टू वाले को ले गया, एन ही तो निकालना है, तो लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन अगर मैंने किया, ठीक। सो यहां से आपको दिखेगा कि लॉग टी वन माइनस लॉग टी टू, इस तरीके से मैं कर सकता हूं डायरेक्ट वैल्यू। यार ये ना प्रैक्टिस में आना चाहिए, ये प्रैक्टिस में आना चाहिए, प्रैक्टिस में आएगा तभी आप, 3 घंटे का पेपर होता है, 65 क्वेश्चन आते हैं, 180 मिनट में 65 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन को लगभग लगभग 2 से 2.5 मिनट देना है। अब अगर 2 से 2.5 मिनट देना है और उसमें इस तरीके का कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाओगे तो तकलीफ होने वाला है। अगर पूरा पेपर अपने को एक बार अटेम्प्ट करना है, पूरा पेपर अगर देखना है तो, क्योंकि 2 से 2.5 मिनट मैंने बोला 180 मिनट पूरा यूज करने पे, लेकिन उसमें भी ना 2-3 मिनट इधर उधर चले ही जाता है। अगर जिनको और भी परेशानी है, जैसे 3 घंटे एक जगह नहीं बैठ सकते, तो उनको तो और तकलीफ है कि भाई बाथरूम जाएंगे, पानी पीने जाएंगे। मुझे लगता है एग्जाम है भाई, ये रण है, हाँ ना, ये वार है जिसको जीतना है, और उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उस सिचुएशन को जानना चाहिए, उस सिचुएशन पे किस तरीके से सर्वाइव करना है वो जानना जरूरी है। बिकॉज सभी ने सुना होगा फिटेस्ट सर्वाइवल, और ये एकदम सच है, पढ़ते सभी हैं, है ना, रैंक सभी का नहीं आता, बिकॉज जो तरीका होना चाहिए वो फॉलो नहीं करते, ठीक है भाई। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, होपफुली आप मेरी बातों को ना समझ रहे होंगे। जिन स्टूडेंट से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, और जिनसे नहीं कर पाते तो ठीक है यार, है ना, बस गॉड ब्लेस यू, कि मतलब आप अच्छा करो अपनी लाइफ में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए एन की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, सो लॉग वी टू, लॉग वी टू विल बी 90, लॉग वी वन इज 60, लॉग टी वन is 81, log T2 is 36। यहां से n की वैल्यू निकाल लेता हूं भाई, n की वैल्यू निकाल लेता हूं, 90 माइनस
लॉग 60। और आप लोग ना वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लीजिए और यूज़ करना आप शुरू कर दीजिए। अभी से यूज़ करना शुरू करेंगे तभी जाके ना आपको एट बिफोर एग्जामिनेशन उसकी आदत होगी और वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। एन की वैल्यू आ रही 1/2, दैट इज योर 0.5। एन इक्वल टू 0.5 प्लस में आ गया, मतलब यहीं से ऑप्शन मुझे दिख गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेकिन चलिए आप के भी निकाल सकते हैं, के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकता हूं सर के? दैट इज योर वी टी, मतलब V1T1 रख लेता हूं, 60 × 81 टू द पावर 0.5, एंड दैट शुड बी इक्वल टू के, दैट शुड बी इक्वल टू के। और इस पे ये आना चाहिए 540। चलो देखते हैं आ रहा है क्या, 60 × 81 टू द पावर 0.5, यस इट इज कमिंग 540। सो के की वैल्यू आपको मिल गया 540। सो हमने ये निकाल लिया भाई आपका, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था उससे आपका टूल लाइफ इक्वेशन जो है वो मिल गया। वो क्या आया? वी टी टू द पावर 0.5 इक्वल टू 540। सो ये आपका टेलर्स टूल लाइफ का जो रिलेशन है वो आ गया, वो आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, और साथ के साथ मुझे टूल लाइफ इक्वेशन मिल गया। ये कॉमन डेटा क्वेश्चन था। तो सेकेंड पार्ट जो पूछा गया है ना, जो सेकेंड पार्ट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर जो 10 में पूछा गया है, वो कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ व्हेन कटिंग स्पीड इज हाफ। मतलब अगर मैं बोला कि यार आपका परसेंटेज इज इंक्रीज इन टूल लाइफ बोल रहा है, सो पहले जो टूल लाइफ है वी वन इक्वल टू वी, और वी टू इक्वल टू वी बाई टू हो गया, मतलब कटिंग स्पीड को हाफ कर दिया, कटिंग स्पीड को हाफ कर दिया। अगर ये नोट कर लिए हो ना, ये नोट कर लिए हो तो अच्छी बात है यार, है ना। नहीं तो आप वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके भी नोट कर सकते हैं, ये इरेज करने वाला हूँ मैं। और ये क्रैश कोर्स जो शुरू हुआ है ना, आपको लेक्चर फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया, सभी ने बताया होगा आपको कि भाई ये 120 दिन का प्लान है, तो उस पे मैं जैसे आपको बताया हूँ कि 3 सब्जेक्ट हैंडल करने वाला हूँ, बाकी फैकल्टीज भी आपके बताए होंगे कि वो किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं, है ना। मैकेनिकल में तो ऑलमोस्ट मैं बात करूंगा, सारे फैकल्टीज से बात करूंगा कि वो किस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो आपको सॉम और थर्मो के वीडियोज भी मिल रहे होंगे पैरेलल ही प्रोडक्शन के, ठीक है। सो ये आपका 120 दिन के अप्रॉक्स में हम लोग एक कंसाइज वे में आप लोगों के पास ये चीज़ें रखने का प्लान है हमारा, चीज़ें सब सही रही तो, है ना। आपको पता है कि सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यस इफ यू आर पुटिंग एफर्ट तो रोक नहीं सकता कोई, है ना। वो बोलते हैं ना, ऊपर वाला जो मेहनत करता है उसके साथ ऊपर वाला भी रहता है ना, ऊपर वाला साथ देगा जरूर। तो हम चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपका और हमारा साथ अगर चला है ना, तो हम 4 महीने में बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। पूरा इंडिया देखते रह जाएगा कि यार किस तरीके से चीज़ों को हम बदल दिए, ठीक है ना। ये अपने को करना है ना, अपने को करना है, अपने को साथ रह के करना है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ये क्वेश्चन मिल गया। अब कह रहा है ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें ये बात बोला है, ये बात बोला है, मतलब वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि अगर कटिंग स्पीड को हाफ कर दिया, मतलब जो वी वन है, लेट अस एज्यूम वी था, वी वन की वैल्यू वी था, सो वी टू को मैंने हाफ कर दिया वी बाई टू, सो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन टू लाइफ कह रहा है, ठीक है भाई। देखते हैं, मेरे पास तो टू लाइफ इक्वेशन है। सो वी वन टी वन टू द पावर 0.5 शुड बी इक्वल टू वी टू टी टू, कंपेयर कर रहा हूं ऑब्वियसली, है ना, टू द पावर 0.5। सो वी वन की वैल्यू कितनी है, वी वन की वैल्यू वी है टी वन टू द पावर 0.5, वी टू की वैल्यू कितनी है वी बाई टू टी टू टू द पावर 0.5। सो यहां से क्या ये कैंसल हो जाएगा वी एंड वी, सो आपको ये दिखेगा भाई जो टी वन है, परसेंटेज चेंज मुझे निकालना है, तो टी वन बाई टी टू मैं कर सकता हूं, या टी वन यहां से ये हो जाएगा टी टू 0.5 कैंसल टू द पावर
वन डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव, मतलब दैट विल बी द टू, मतलब मैं कह सकता हूं कि टी टू डिवाइडेड बाई टी वन, टी टू यहीं का यहीं, टी वन इधर चला गया, ये आ गया टू टू द पावर वन बाई पॉइंट फाइव, मतलब टू टू द पावर टू दैट मीन्स फोर, सो टी टू बाई टी वन इक्वल टू फोर, सो परसेंटेज चेंज अगर मुझे निकालना है, परसेंटेज चेंज बोला है, सो परसेंटेज चेंज है ना, चलिए देखते हैं परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ही बोला है क्वेश्चन में है ना, यस परसेंटेज इंक्रीज बोला है, परसेंटेज इंक्रीज इन टू लाइफ, परसेंटेज इंक्रीज बोला है ना, सो परसेंटेज इन परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा कि आपका जो टूल लाइफ टू है, मतलब सेकेंड कंडीशन में वो बढ़ गया होगा, वो बढ़ गया होगा, सो परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, सो टी टू बढ़ गया होगा, ऑब्वियसली टी टू विल बी ग्रेटर देन टी वन, सो टी वन से कंपेरिजन करना है, अगर मैं परसेंटेज इंक्रीज बोला, परसेंटेज इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ होगा, कितना इंक्रीज हुआ होगा, सो दैट विल बी टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाई टी वन इन टू हंड्रेड, टी वन से कंपेयर कर रहा हूं, टी वन से कंपेयर कर रहा हूं, इट मीन्स दैट इट विल बी टी टू बाई टी वन माइनस वन इन टू हंड्रेड, और T2 टू बाई टी वन इक्वल टू क्या है, 4 माइनस वन, 4 माइनस वन इन टू हंड्रेड, सो ये हो जाएगा 300%, सो 300% इंक्रीज होगा, इंक्रीज बोला है ना, तो इंक्रीज मतलब समझिएगा T2 पहले लिख दिया मैं तभी पॉजिटिव आया, अगर T2 को बाद में T1 वन माइनस टी टू करते हो तो वो निगेटिव आया था, मतलब अगर कोई इस तरीके से कर रहा है T1 वन माइनस टी टू करना चाहता हूं सर कर दो, निगेटिव आया मतलब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इससे, तो ये समझना रहना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस पे भी कंफ्यूज रहते हैं, सो होपफुली ये बात क्लियर होगा कि भाई जिससे कंपेयर कर रहे हो, जैसे मैं टी वन से कंपेयर कर रहा हूँ, कोई चाहता है टी वन सर मैं टी वन से कंपेयर करता हूँ, और हमेशा ऐसे ही लिखता हूँ कि टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाई टी वन, अगर बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज मतलब सेकेंड सिचुएशन परसेंटेज बढ़ गया होगा, सो ऑब्वियसली टी टू की वैल्यू बढ़ गई होगी, और टी टू की वैल्यू अगर बढ़ गई होगी है ना, सो ये माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस में है, ठीक, सो उस समय प्लस माइनस से आप ये कोशिश मत कीजिएगा कि अब माइनस आ गया और परसेंटेज इंक्रीज बोला है और आप वहां पे फिर दिमाग लगा रहे हैं कि यहां पे तो रिडक्शन आ रहा है, इस तरीके से नहीं, ये सोचने वाली बात रहेगी हमेशा, अगर क्लिक किया तो अच्छी बात है, एक बार लास्ट टाइम और रिपीट कर रहा हूँ यार, ये देखो जो T1 माइनस T2 है, T2 अगर बड़ा रहेगा तो ऑब्वियसली T1 माइनस T2 में निगेटिव आएगा वो वैल्यू, T2 अगर बड़ा है क्योंकि निगेटिव वैल्यू बड़ा हो जाएगा उस समय, ठीक है, सो होपफुली ये क्लियर हुआ होगा, ठीक, सो इसका आंसर 300% ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक, इसके अलावा और भी क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है, अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन नंबर दैट इज व्हाट, हाँ 11 आपको ट्राई करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपको ट्राई करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस है ना, आपको वर्कबुक के अलावा प्रीवियस ईयर भी लगाना चाहिए, सो होपफुली ये भी लेक्चर आप एंजॉय किए होंगे है ना, मजा आया होगा, और बाकी क्रैश कोर्स आप मजे कर रहे हैं है ना, पढ़ना इज द मजा है ना, अच्छे से आप मजे कीजिए, मस्त से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपन फोकस करेंगे एग्जाम की ओर, ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सो आज के लिए थैंक यू सो मच।